आता है। इस डिश को आप ब्रेकफास्ट या स्नैक्स के तौर पर बना सकते हैं और छोटे बच्चों को तो ये भी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको ये डिश पसंद आई तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें एक कप मलाई, आधा कप बारीक रवा, एक मीडियम साइज अनियन बारीक कटा हुआ, एक टमाटो कट किया हुआ, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा धनिया, नमक स्वादानुसार और ब्रेड के कुछ स्लाइसेस लेंगे। इसके लिए हमें मलाई में ये रवा मिक्स करके रखना है। इस बैटर में हमने जो भी सामग्री ली है वो सभी मिक्स कर लेना है और ये बैटर हमें 20 मिनट के लिए रखना है। देखते हैं 20 मिनट हो गया है। देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया है ब्रेड पे लगाने के लिए। तो हम एक साइड में ये बैटर लगाना है। स्लाइसेस भी ये बैटर लगा के रेडी कर दिया है। अभी हम तवे पे थोड़ा सा घी लगा के उसको सेक लेंगे। नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा घी लेके के हम उसके ऊपर ये ब्रेड रख देंगे और ढक्कन लगा देंगे। देखते हैं हमारा ब्रेड। अब हम दूसरी साइड को फ्लिप कर देंगे। देखिए अच्छा सा कलर आ गया है और हमारा यम्मी ब्रेड पिज्जा बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।